हाय दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरफान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ इंडिया 13 के। तो आज हम ओला में जो है रिमेनिंग बैलेंस जो है किस तरह से पे करना है, माइनस बैलेंस को किस तरह से जो है पे करना है, उसके बारे में इस वीडियो के जरिए से बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है आपको जो है अपने ओला पार्टनर ऐप को ओपन कर लेना है। करने के बाद जो है आपको जो है नीचे जो है अकाउंट्स बोलकर जो है ऑप्शन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब ऊपर देखा दिखाया जा रहा है आपको कि जो है आपको 522 रुपीस पेंडिंग बोल कर दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको। आप जब तक ये रिमेनिंग बैलेंस पे नहीं करोगे तब तक आपकी जो है ड्यूटी ऑन नहीं होगी। तो जब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर देख रहा है कि आपको एक मिनट, यहाँ पे अपना आधार कार्ड भी अपडेट करने की नोटिफिकेशन दे रहा है। तो आपको जो है यहाँ पर अभी पे करने के लिए अभी पे कैसा करना है उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो सिंपली जो है आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है दिख रहा है, देखो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस इस 523 पे एटलीस्ट 23 रुपीज़ टू स्टार्ट रिसीविंग बुकिंग पे ऑनलाइन पे द बोल के दिखा रहे हैं आपको। तो सिंपली जो है आपको पे पे क्लिक कर देना है, पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, बता रहा हूँ आपको। तो आपको जो है सिंपली जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दिखा रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, Paytm एंड अदर वॉलेट्स। तो आप जो है आप इस को जो है Paytm के थ्रू भी पे कर Paytm के थ्रू भी इसको पे कर सकते हैं। तो अभी आपको हम सिर्फ Paytm के थ्रू कैसा पे करना है उसको उसके बारे में बताएंगे। तो सिंपली जो है आपका Paytm नंबर यहाँ पर एंट्री कर लेना है। और प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको OTP आएगा। तो देखिए हमारे पास OTP आ चुका है हमारे फ़ोन में। तो सिंपली वेरीफाई कर लेना है हमको। हाँ, वेरीफाई कर लेने के बाद जो है हमको यहाँ पर से अपने बैलेंस में से जो है से पे करना है। यहाँ पर दिख रहा है आपको 523 रुपीस जो है आपको डन हो गए, सक्सेसफुल बोल के बता रहा है। यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल बोल कर दिखाई दे रहा है। तो आपको सिंपली जो है डन के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर डन का बटन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए हमारा ऊपर जो है करंट बैलेंस में जो है 0 दिखाई दे रहा है। अभी हम अब अपने अकाउंट में आएंगे तो देखिए ऊपर जो है हम आपको जो है क्लियर करने के लिए अमाउंट रहा था, ये हमने जो है 523 जो है पे कर दिया ऑनलाइन। तो अभी हम ऑनरेडी करेंगे इसे, ये अभी आधार कार्ड अपने अपडेट करने के लिए करा है। तो दोस्तों हम जो है यहाँ पर अपना आधार कार्ड भी अपडेट कर लेंगे। यहाँ सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर जो है टिक करने का है, फिर अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो वैसे ही जो है 24 आवर्स का जो है टाइम देगा, लेकिन वो जल्द से जल्द जो है सिस्टम वेरीफाई करके इसको अप्रूवल दे देगा। हम जब तक के जो है SMS का जो है इंतज़ार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अभी ऑन ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे जो है ऑन ड्यूटी हो चुका है ऐप। तो हम इसे अभी सिंपली तो अभी तो ऑफ कर देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, उसके वीडियो के बारे में राय दीजिए, और हमारे कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सभी लोगों का जो है अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को देखा, मेरे वीडियो को देखा और चैनल को सब्सक्राइब किया, और वीडियो को लाइक किया और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट किया। तब तक के मिलते हैं, एंड टाटा एंड बाय बाय।